अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर। मेरा नाम नदीम अहमद है और आप देख रहे हैं आंसर फॉर इन्फो। फ्रेंड्स, यूट्यूब वालों ने कम्युनिटी टैब की अपडेट देखकर हम जो न्यू यूट्यूबर हैं उनके लिए बहुत ही आसानियां कर दी हैं। कम्युनिटी टैब में क्या है कि हम लोग पोस्ट करके हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनसे हम राय ले सकते हैं कि हम अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाएँ। यही मेरे जहन पर आज सुबह एक बात आई, तो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी इसको दिखा देता हूँ। मैंने उस पर लिखा कि अगली जो हमारी वीडियो वो किस टॉपिक पर हो, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिए थे। पहला था लोगो मेकर और सेकंड था कि कार्टून की वीडियो हम लोग कैसे अपलोड करें विदाउट कॉपीराइट। तो मेरा छोटा जो चैनल है उस पर का सब्सक्राइब समझना के बराबर है, 112 सब्सक्राइबर। तो उस पर सिर्फ एक ही वोट आया था, वो था लोगो के ऊपर। तो मैं सोचा कि उस भाई की फरमाइश पूरी कर दें और मैं उसके लिए एक अच्छा सा 3D लोगो बना दूँ, वो भी उस मोबाइल फ़ोन पर। आपका तो मोबाइल फ़ोन नया हो या पुराना हो, ये जो ऐप है इस पर इजीली वर्क कर लेती है। उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। सो फ्रेंड्स, आपको मोबाइल स्क्रीन ले जाने से पहले अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पर जो है पिक्सल लैब को पहले से ही ओपन करके रखा है। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले जो काम करना है वो करना है कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है हमने इसको एडिट करना है। तो यहाँ पर प्रेसिंग करना आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पर माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम लोग उंगलियों से काम करते हैं तो बहुत जब वीडियो हम बनाते हैं तो हमारा फोकस सारा वीडियो बनाने के ऊपर होता है। तो हम लोग जहाँ पर टाइप करते हैं तो वहाँ पर हम बोलना भूल जाते हैं कि आपने इस जगह पर टाइप करना है और वो मिस हो जाता है। इससे क्या होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन से टैब कौन से सेक्शन पर क्लिक किया था। इसीलिए मैं माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जो है पैसिंग निशान पर टाइप करूँगा और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँगा और मैं यहाँ पर ए लिख दूँगा, क्योंकि मेरे चैनल का जो नाम है वो एस ही होता है। तो मैं यहाँ पर इसको ओके कर लेता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा। अच्छा, इसके लिए मुझे यहाँ पर अभी यहाँ जाना होगा ए के पर। यहाँ में एक पर आने के बाद हमने यहाँ पर नीचे लाना है और नीचे और नीचे और नीचे और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर लिखा आ रहा है ये ए बी, जो यहाँ पर ये फॉन्ट का निशान आ रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई फॉन्ट पर आऊँगा और यहाँ से ये जो है ना फेकॉन, मैं इसको डाउनलोड कर अप्लाई करके ओके करूँगा। अच्छा, अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो इसी फॉन्ट के जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए है ये कितना ही प्यारा बन गया है। अब हम तो यहाँ से जो है ये अपनी प्लस का निशान आ रहा है, हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हम इसको दोबारा से एडिट करेंगे और यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फोर, आंसर फॉर इन्फो है। बस मैं सिर्फ फोर लिखूँगा आगे तो मैं क्या लोगों तो मैं इसको यहाँ पर जो है ना यहाँ से इसकी कैपेसिटी साइज़ जो है इसकी बढ़ा दूँगा यहाँ पर, ताकि ये माउस के ऊपर सही तरह से आ जाए। और उसको भी मैं जो यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा ताकि ये भी सेम उसी के जैसा ही दिखे। और अब मैं ये यहाँ पर बिल्कुल ही दोस्त बन गया है। अब हमने यहाँ पर जो यहाँ पर ये निशान आ रहा है यहाँ पर ये कर्सर का, यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें शेप पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये निशान आ रहा है यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से हमें सर्कल क्लिक कर लेना है। ये कैपेसिटी हमने इसकी ज़ीरो कर लेनी है। अब थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर ये स्ट्रोक लिखा रहा है, हम इसको स्ट्रोक को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना बढ़ा लें। तो मैं यहाँ पर 16 रखूँगा और इसको इसके दरमियान ले जाऊँगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हमने जो इसके जो ये जो इसका हमने कर्सर लगाया यहाँ पर, इसको भी हम जो इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि इसका कलर हम वाइट ही रखें। यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ से ये जो इसको वाइट कर दूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये अब मैच हो रहा है। अब हमने यहाँ पर ये लेयर का निशान आ रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके हमने इन तीनों को जो है सिलेक्ट करना है। ये ए है, ये फोर है और ये
हमारा वो है, अब हम इसको मर्ज कर देंगे आपस में और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो है दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारा बीच में आ गया। अब ये हमारे मर्ज हो गए, यानी कि हमारी ये एक ही चीज़ बन गई है। अब हमने यहाँ पर आना है होगा टेक्सचर, ये रहा ये टेक्सचर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी यहाँ से हम नीचे लाएंगे और ये एक मटेरियल होगा तो स्टील कलर का। अगर ये पास नहीं है तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, दे दूंगा, आप हमने वहाँ से जाकर इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और मैं अब इसको ओके कर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब हमने इसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमने इसको नीचे ले ये स्ट्रोक रहा, स्ट्रोक को हमने क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है। और ये जो है तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसका कलर यहाँ से कर दूंगा, ये ठीक रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा ज़बरदस्त लुक आ गया है। अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो कर्सर आ रहा है हमने यहीं पर उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी। तो अब भी हम दोबारा से यहाँ पर मैंने जो है एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी थी, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये तीनों चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपने वहाँ पर सिंपली जाकर इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही एग्जैक्ट बन गया है, हमने इसको यहाँ पर ओके कर लेना है। इस लोगों को हम दरमियान में लाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आप यहाँ पर अब देखें कि हमारा जो लोगो है कैसा प्रोफेशनल और ज़बरदस्त बन गया है। अब थोड़ा सा नीचे और जाएंगे, अब हमने इसको नीचे लाना है और जो इसकी एपिसिटी है वो हमने कम कर दी ताकि ये थोड़ा सा उभार इसका नज़र सही तरह से आ जाए। अच्छा ये यहाँ पर बढ़ा रहे, आपने अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे आपको पसंद आ जाए। तो हम इसको ओके कर देंगे, आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बेहतरीन लोगो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको सेव कर लेना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है सेव एज इमेज। अब हम जो इसकी JPG फॉर्मेट, ये इमेज फॉर्मेट, ये इसकी JPG, ये ठीक है। अब इमेज क्वालिटी, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे, वेरी हाई से हटाकर अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा एक बेहतरीन लोगो बन के रेडी हो गया है और आप इसको अपने चैनल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।